हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। आज का वीडियो ऑफिस कम्युनिकेशन के बारे में होने वाला है, जहां पर अपन कम्युनिकेशन की मीनिंग, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। इनकेस इस चैनल पे नए हैं, एजुकेशनल कंटेंट पसंद है, RBSC के, CBSE के, BCOM या BBA से रिलेटेड आप हैं और ये सब पढ़ रहे हैं, आप 11th 12th में हैं, BCOM या BBA कर रहे हैं, तो हो सकता है ये चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो हो सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट करें कम्युनिकेशन की मीनिंग देखते हैं। कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक प्रोसेस इन विच टू और मोर पीपल सिस्टमैटिकली एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, आइडियाज एंड फैक्ट्स। अब एक एक वर्ड को स्पेसिफिक मीनिंग बता देता हूँ मैं। कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, दैट मीन्स ऐसा नहीं होता कि ऑर्गेनाइजेशन में या ऑफिस में, कहीं पर भी आप हैं, वहाँ पर एक बार ही कम्युनिकेट करना पड़े। दैट मीन्स साल में एक बार बॉस ने कुछ समझा दिया और पूरे साल बिना समझाए बिना बोले काम होता रहेगा, नहीं होता ना। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, दैट मीन्स हर बार आपको कम्युनिकेट करनी पड़ती है अपनी प्लान, अपनी पॉलिसीज, जो भी काम आपको करवाना है लोगों से। एंड अ डायनेमिक प्रोसेस, डायनेमिक मीन्स होता है कीप्स ऑन चेंजिंग। आपको कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव बदलते रहते हैं। आप जैसे कम्युनिकेट अपने बॉस से करते हैं, वैसे अपने फ्रेंड से नहीं करते हैं, फ्रेंड से करते हैं, पेरेंट्स से नहीं करते हैं। तो ये डायनेमिक प्रोसेस है, दैट मीन्स बॉस को वर्कर्स के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करना है, कभी प्यार से, कभी डांटना है, कभी पनिश करना है, तो कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव चेंज होते रहते हैं। इन विच टू और मोर पीपल सिस्टमैटिकली एक्सचेंज, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें दो पर्सन अपने व्यूज, अपने आइडियाज, अपने इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। वन पर्सन इज कॉल्ड द सेंडर, द अदर पर्सन इज कॉल्ड द रिसीवर। सेंडर अपनी इन्फॉर्मेशन रिसीवर को भेजता है। जब भी जो भी इन्फॉर्मेशन सेंडर ने रिसीवर को भेज दी, जो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई है, वो फिर फीडबैक देता है, हाँ जी मुझे आपकी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, या फिर आई हैव रिसीव योर इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली, राइट। तो आइडियाज, फैक्ट एंड ओपिनियन आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं टू वे कम्युनिकेशन, जब आप भी बोल रहे हैं और आप दूसरों की भी सुन रहे हैं और उसको भी बोलने का मौका दे रहे हैं। टू वे कम्युनिकेशन जरूरी है कम्युनिकेशन के लिए। डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन स्पेसिफिक होता है ऑथर्स की। मीनिंग जब भी पूछी जाए एग्जामिनेशन में, तो आप जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी जानते हैं कुछ भी लिख सकते हैं मन से बनाकर, लेकिन डेफिनेशन में यू हैव टू कोट द ऑथर्स डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड। आपको ऑथर की डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड लिखनी पड़ती है। ऑलराइट, क्लियर। देखते हैं डेफिनेशन। लियोन मैगिनसन की डेफिनेशन है, फेमस बिजनेस कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट हैं। वो बोलते हैं कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग मीनिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन टर्म्स ऑफ आइडियाज और इन्फॉर्मेशन। ये भी घूम फिर के वही बोल रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होना, दैट मीन्स स्प्रेडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन। द इन्फॉर्मेशन मे बी इन अ फॉर्म ऑफ आइडिया और अ इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन जा रही है, जो भी वार्तालाप हो रहा है दो पर्सन के बीच, वो किसी आइडिया को शेयर कर रहे हैं, किसी ओपिनियन को, किसी फैक्ट को, किसी भी चीज़ को दो पर्सन जब कम्युनिकेट करते हैं, उसको नॉर्मल सी भाषा में कम्युनिकेशन बोला जाता है। मेकिंग सेंस हो रहा है, क्लियर। कम्युनिकेशन के फीचर, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, कभी कभी नेचर भी इसको ही बोल देते हैं। पहला पॉइंट, कंटिन्यूअस एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस। हर बार आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। साल में एक बार कम्युनिकेट कर दिया और सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं होता है। तो आपको सिस्टमेटिक तरीके से हर बार कम्युनिकेट करना पड़ता है। एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है, आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे समझाएंगे, कैसे लोगों को मोटिवेट करेंगे, तो इसके एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है। आप हर दिन जाके चिल्लाएंगे, बोलेंगे या जरूरत से ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे, तो वहाँ पर ठीक नहीं लगता है। तो आपको एक टाइमिंग चूज करनी है, कब कम्युनिकेट करना है, कब नहीं करना, कब साइलेंट रहना है। साइलेंस में भी अ गुड आंसर ना, बोलते ना कि साइलेंस रहना भी कभी कभी बहुत अच्छा आंसर होता है। तो आपको पता होना चाहिए, एक ओरेटर है, कम्युनिकेटर है, स्पीकर है, उसको पता होना चाहिए कब पॉज लेना है, कब चुप होना है। ऐसा नहीं है आप वो स्पीच दे रहे हैं तो आपको 3-4 घंटे की स्पीच दे दी और ऑडियंस आपकी बेहोश हो गई, है ना। तो ऐसा नहीं करना है आपको। सेकेंड है टू वे प्रोसेस। यहां पर टू वे प्रोसेस होना चाहिए, दैट मीन्स आप अगर कुछ बोल रहे हैं तो दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, आप ही आप बोल रहे हैं, दूसरे को आप बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। तो इन ऑर्डर टू बिकम अफेक्टिव कम्युनिकेटर, हर अफेक्टिव कम्युनिकेटर में ये एबिलिटी होती है या एक क्वालिटी होती है, ट्रेट होता है कि वो टू वे कम्युनिकेशन को प्रमोट करता है, वो अपने ऑडियंस का भी फीडबैक लेता है। थर्ड, डायनेमिक प्रोसेस। आपको कम्युनिकेशन का जो टोनलिटी है, आपका जो लैंग्वेज है, आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, वो चेंज करना पड़ता है टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ योर ऑडियंस। आपको ऑडियंस के हिसाब से अपनी कम्युनिकेशन का जो तरीका है, जो टेक्निक है, उसमें बदलाव करना पड़ता है।
हो सकता है आपके ऑडियंस का लैंग्वेज अलग हो, कल्चर अलग हो, उनका नीड रिक्वायरमेंट अलग हो। जैसे आप टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव से बात करेंगे, वैसे आप लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव से बात नहीं कर सकते। तो आपको अपना प्रोसेस जो कम्युनिकेशन का वो चेंज करना पड़ता है कभी कभी अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस रिक्वायरमेंट। आगे है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। दुनिया के किसी भी कोने में, इंडिया में हो, जापान में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूयॉर्क में हो, कहीं पर भी कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। इधर थ्रू टेलीफोनिक करते हैं, इधर थ्रू ऑडियो विजुअल करते हैं, जो भी आप ओरल रिटर्न जो भी कर रहे हैं, सारे सोर्स हैं कम्युनिकेशन के या टाइप हैं कम्युनिकेशन के। तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, पूरे दुनिया में, यूनिवर्स में हर जगह कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, राइट। आगे है ह्यूमन ओरिएंटेड एक्शन। दो ह्यूमन बीइंग कम्युनिकेट करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में, जानवर वगैरह की बातें नहीं कर रहे हैं अपन यहाँ पर। तो मेन चीज क्या है, दो इंडिविजुअल पर्सन, दो ह्यूमन बीइंग जब भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं ऑफिस में, उसी को ऑफिस कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर दो जानवर ऑफिस में कम्युनिकेट करेंगे तो उसको ऑफिस कम्युनिकेशन तो बोलेंगे, लेकिन वो एनिमल्स ऑफिस कम्युनिकेशन बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या है, ह्यूमन ओरिएंटेड एक्शन है, दैट मीन्स दो ह्यूमन बीइंग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एक सुनता है, सेंडर और रिसीवर दोनों ह्यूमन बीइंग है, राइट। आगे देख लेते हैं सिक्स्थ, अदर कम्युनिकेशन मे बी इन द फॉर्म ऑफ ओरल, ओरल बोल रहे हैं, रिटर्न सिंबॉलिक, कोई सिंबल हो सकता है। आप मैसेजेस में, अगर इंस्टेंट मैसेजेस में इमोजीज वगैरह यूज करते हैं तो वो भी सिंबल है ना, अब रोने की इमोजीज, हंसने की इमोजी, तो ये सिंबॉलिक है, कम्युनिकेशन हो रहा है। ऑडियो विजुअल, टीवी पैड देखते हैं, ऑडियो भी आ रहा है, पिक्चर्स भी आ रही हैं, तो आप इस तरीके से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेवन्थ, बिल्ड्स म्यूचुअल ट्रस्ट, कम्युनिकेशन से म्यूचुअल ट्रस्ट बनता है। अगर आप, कोई भी बोल रहा है आपसे और आपको बोलना है और आप कुछ बोले ना, सिर्फ मुंडे हिलाएं, इधर करें उधर करें, इधर देखें उधर देखें, तो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है, राइट। तो म्यूचुअल ट्रस्ट को बिल्ड करता है कम्युनिकेशन। जब भी दो पर्सन में आपस में बनती है तो उन दोनों में कम्युनिकेशन अफेक्टिव हो जाता है। जब रिसीवर, जो भी आपका स्पीकर है, उसकी बात आपको समझ में आ रही है तो आप राइट तरीके से उसको फीडबैक दे पाओगे, कम्युनिकेट कर पाओगे। तो दो पर्सन के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट आपसी तालमेल को बनाता है, क्या, कम्युनिकेशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिकेशन मस्ट बी क्लियर, प्री रिक्वेस्ट है ये, बहुत जरूरी है कि प्रायर क्या करना पड़ेगा आपको, पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि क्लास में कोई भी टीचर आ रहा है उसको क्या पढ़ाना है, उसको पहले से क्लियर होना चाहिए। तो आके वो सोचेगा क्या पढ़ाऊं क्या नहीं पढ़ाऊं, या कल पढ़ाया हुआ भूल जाएगा। तो मेन चीज क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आपको किसको कम्युनिकेट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कब कम्युनिकेट करना है, क्या मीडिया को यूज में लेना है। तो योर ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिकेशन मस्ट बी क्लियर इन एडवांस, प्रायर में होना चाहिए आपका, राइट। कम्युनिकेशन इज मल्टी डायमेंशनल। अब टाइप्स पढ़ेंगे इसके अपन नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, फ्लाइट, बहुत सारे टाइप्स हैं इसके। तो मल्टी डायमेंशनल है, सिर्फ एक ही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आपको वेरियस टूल्स एंड टेक्निक हैं जो भी अपन यूज में लेते हैं। मैनेजमेंट में हिराकी डिफाइन करता है या लेवल्स डिफाइन करता है आपके, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी वहां पर अलग अलग तरीके से आप कम्युनिकेट करते हैं। तो वो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला, थोड़ा सा अपन ब्रीफ करेंगे उसको उस टॉपिक में। बेसिस ऑफ मैनेजेरियल वर्क, हर मैनेजर का वर्क बिना कम्युनिकेशन के अधूरा है। दैट मीन्स एवरी मैनेजर, मैनेजेरियल वर्क या मैनेजरियल फंक्शंस आप पढ़ेंगे थोड़ा ट्वेल्थ में, या आगे जो कॉलेजेस में जाएंगे आप तब पढ़ेंगे स्पेसिफिक, वहां पर क्या होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं। और ये फंक्शन एक मैनेजर परफॉर्म करता है, प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, स्टाफिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, नेक्स्ट में कोऑर्डिनेशन भी कर लेता है वो, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन बिना कम्युनिकेशन के अकम्प्लिश हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप बिना साइलेंट रहे ये काम करवा ही नहीं सकते। मैनेजमेंट क्या है, इट्स आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। एक मैनेजर सारे काम खुद नहीं करता है, औरों से करवाता है। तो औरों से काम करवाने के लिए ही और शी मस्ट बी एन अफेक्टिव कम्युनिकेटर। आपको अफेक्टिव कम्युनिकेट करना आना चाहिए, अपनी बातों से लोगों को इंस्पायर या परसुएट करना आना चाहिए। तो मैनेजर में वो क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अफेक्टिव कम्युनिकेटर होना चाहिए, पूरा क्लियर। तो ये थे अपने सिंपल सी भाषा में फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। डेफिनेशन क्लियर हो गई है, मीनिंग क्लियर हो गई है इनकी। इस कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, तो उसमें कमेंट करके जो भी आपको डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, प्लीज कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी का बना दूंगा, या सारे कमेंट्स मैं पढ़ता ही हूं, तो आपका रिप्लाई मैं वहीं दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। दिस इज सुनील साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।